मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां ये सवाल नहीं उठाती हैं, मंदिर मस्जिद के सवाल उठाती हैं। समाज को बांट देने वाले जितने प्रश्न हैं वो पार्टियों के द्वारा उठाए जाते हैं, देश की गुलामी को खत्म कर देने वाले प्रश्न कोई पार्टी नहीं उठाती। कभी कभी मेरा दिल जलता है, आप बंबई जाइए, रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए, तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। वो तो भला हो महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का जो विधानसभा में पहुंच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया, लेकिन अधूरा काम किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया, लेकिन वहां पर मूर्तियां सभी अभी भी अंग्रेजों की लगी हुई है। आप कभी भी चले जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, गेट से बाहर निकलिए मेन गेट पर, तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की, जिन्होंने बंबई पर महा अत्याचार किए, वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे। हमारे देश में सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है। जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल अत्याचार किए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में सरकार क्यों पीछे हटती है? जब सरकारें मंदिर तोड़ सकती है, मस्जिद तोड़ सकती है, गुरुद्वारे तोड़ देती है, इस देश में सड़क को चौड़ा करना है, नगर का सौंदर्य बढ़ाना है, सुंदरता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है, तो इतने विद्रूप लोग हंस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में, उनको क्यों नहीं तोड़ देती हमारी सरकार? उनसे क्या लेना देना है हमारी सरकार का? वो रिश्तेदार लगते हैं हमारे क्या? विचित्र देश है। तो ये सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुलामी हमारे यहां चली आ रही है, ये बहुत भारी पड़ गई है। अब इसको तो खत्म करना ही, आज नहीं तो कल किसी को तो ये आवाज उठानी ही है।